जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी का आगमन हुआ। वे आगरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। इस दौरान उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सरकार द्वारा चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली। जनपद आगरा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का आगमन हुआ। आगरा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। सर्किट हाउस में स्थानीय लोगों और आगरा महापौर हेमलता दिवाकर आदि ने शिक्षा मंत्री का फूल और बुके देकर स्वागत किया। सर्किट हाउस में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और शिक्षा में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और सरकार द्वारा चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने डीजी महाराजा न्यूज चैनल से मुखातिब होकर बताया कि जनपद आगरा को प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस दरमियान उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 नए संस्कृत विद्यालय बनाए जाएंगे, जिससे संस्कृत भाषा को और ज्यादा विस्तार दिया जा सके। माध्यमिक शिक्षा परिषद में स्थायी शिक्षकों की भर्ती विचाराधीन है, जिसको जल्द ही सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा में सुधार की ओर अग्रसर है और अब से पहले परीक्षाएं इस तरह कभी नहीं हुई जो अब हो रही हैं। 15 दिन में माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं हो गईं और 14 दिन में रिजल्ट आ गया। ये अभी तक एक रिकॉर्ड है। इस तरह से नकल विहीन और सुरक्षित परीक्षाएं किसी भी सरकार में अभी तक नहीं हुई हैं। इसी कड़ी में आगे उन्होंने बताया कि आगरा मंडल के मथुरा जनपद में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जो कि आवासीय होगा। देखो, माध्यमिक शिक्षा में इतना सुधार हुआ है कि रिकॉर्ड तोड़ा है। विगत 100 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा कि 14 दिन में लगभग 60 लाख बच्चों का रिजल्ट आ गया। 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई नकल नहीं हुई, कहीं भी जरा सी भी हलचल नहीं हुई। जितनी भी नकल माफिया थे सब ध्वस्त हो गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जरा सा भी कहीं कोई उपद्रव मचाने का वो प्रयास करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके माध्यम से बच्चों के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। दूसरा, एक अलंकार प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है सरकारी तरफ से, इसमें क्या क्या आगरा के लिए मिलता है? आगरा के लिए 33 करोड़ रुपया आया है, जो हमारे विद्यालय 33 करोड़ रुपए में जो राजकीय विद्यालय हैं, अशासकीय विद्यालय हैं और संस्कृत के हैं, तो इन सब में जो है ये पैसा लगेगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।